ईश्वर जो प्यार है वह हमें अपने अनुरूप बनाया ताकि हम हमारे जीवन में एक दूसरे को प्यार करें। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमारे विरुद्ध कार्य करता है जो हमें मानसिक और आत्मिक रूप से दुख पहुंचाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति बदले की भावना रखते हैं और हम यह ताक में रहते हैं कि कब उस व्यक्ति के प्रति बदला लें। हम यह भी सोचते हैं कि उसके जीवन में दुख या तकलीफ कब आ पड़े, उसके जीवन में बुरी घटना कब घटे। लेकिन जब हम बदले की भावना में रहते हैं तो हम एक प्रकाश जो जीवन की स्वतंत्रता है उसको हम खो देते हैं और बदले की भावना के गुलाम बन जाते हैं। और जब हम बदले की भावना के गुलाम बन जाते हैं तो हम ईश्वर की सृष्टि के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया। और हम योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्यार है, ईश्वर जो प्यार है वह हमें अपने अनुरूप बनाया ताकि हम हमारे जीवन में एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्यार करें। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु येसु हमें यह बतलाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल में चांटा मारे तो उसकी ओर दूसरी गाल भी कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उसे हमें क्षमा प्रदान करना है, ना कि उसके प्रति हमें बदला लेना है। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हम बदले की भावना के गुलाम ना बने, बल्कि ईश्वर जो हमें अपने अनुरूप प्रेम से बनाया है उस प्रेम के द्वारा प्रफुल्लित होकर हम हमारे जीवन में एक दूसरे को क्षमा प्रदान करें। आमीन।